हैं इस बार के क्या क्वेश्चंस थे। पहला सवाल है SH2 डोमेन स्पेसिफिकली बाइंड्स टू। अब ये किसकी याद दिला रहा है? तो अगर आपको याद हो तो अगर हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये पहले इस तरीके से मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं पहले इस तरीके से मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं, बट अगर यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन रिसेप्टर्स का होता है डाइमराइजेशन। अगर यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाए तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बच्चों इस रिसेप्टर का हो जाएगा डाइमराइजेशन। और इस डाइमराइजेशन की वजह से फिर क्या होगा, तो यहाँ पे एक सिग्नल आएगा तो रिसेप्टर का होता है डाइमराइजेशन। इस डाइमराइजेशन की वजह से अब ये रिसेप्टर्स आपने पहचाने हैं, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है RTK रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं इनके डोमेन पे करवाया जाता है बच्चों फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हमको ऑटो फॉस्फोराइलेशन प्लस हमको यहाँ पे क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है। अब जब इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ये है क्या, ये है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, तो टायरोसिन के ऊपर करवाया जाएगा फॉस्फोराइलेशन। और जब टायरोसिन के ऊपर करवाया जाता है फॉस्फोराइलेशन तो ये जो साइट्स है, जो अपर पार्ट है वो एक एंजाइम की तरह काइनेज की तरह काम करेगा, पर जो लोअर पार्ट रहता है ये किसका काम करता है बच्चों, तो ये डॉकिंग साइट का काम करता है। डॉकिंग साइट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स आके अटैच होते हैं और फिर उनका जो भी कैटालिटिक रोल है, जो फंक्शन है, वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये जिस रीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये जो रीजन रहता है यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको PTB डोमेन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको SH2 डोमेन देखने को मिलता है। इस तरीके से अलग अलग डोमेन्स इंटरेक्ट करते हैं उस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ में। तो सवाल में पूछा गया था कि SH2 डोमेन कहाँ बाइंड होता है बच्चों, ये जाके बाइंड होता है ऑन दी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज। तो जो हमारा ये SH2 है, मतलब कि SRC होमोलॉजी टू डोमेन है, ये क्या करता है, ये जाके बाइंड करता है, SH2 जो डोमेन है वो बाइंड करता है ऑन दी फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज। तो ये क्वेश्चन था हमारे सेल सिग्नलिंग रिलेटेड, दिस वॉज फ्रॉम दी RTK पाथवे, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, तो टायरोसिन का पूरा सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। आपको याद है न्यूक्लियोजोम्स, क्रोमैटोजोम्स। सो न्यूक्लियो प्रोटीन वही बात कर रहा है, इनमें से कौन है जो DNA उनके स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट में हेल्प करता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये किसका बना होता है बच्चों, यहाँ पे हमको हिस्टोन के ऑक्टामर्स देखने को मिलते हैं। H3 के दो डोमेन होते हैं, H4 के हमको दो सॉरी H3 के दो सब यूनिट्स, H4 के दो सब यूनिट्स, H2A के दो सब यूनिट्स और H3 के होते हैं दो सब यूनिट्स, H4 के होते हैं दो सब यूनिट्स, H2A के होते हैं दो सब यूनिट्स एंड H2B के होते हैं दो सब यूनिट्स। इस तरीके से हमारा एक पूरा ऑक्टामरिक हिस्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जो ऑक्टामरिक हिस्टोन रहता है, इस ऑक्टामरिक हिस्टोन्स के अराउंड ही हमारा जो DNA मॉलिक्यूल रहेगा बच्चों ये रैप होता है। ठीक है, इस ऑक्टामरिक हिस्टोन्स के अराउंड ही हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा ये DNA है ये इसके अराउंड में हमको रैप्ड नजर आएगा। ठीक है, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का पार्ट रहता है, तो आंसर फॉर दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दी हिस्टोन्स। ठीक है, ये हिस्टोन्स को रिमूव किया जाता है, इसको डिसमेंटल किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है ड्यूरिंग दी प्रोसेसेस लाइक रेप्लीकेशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन। बढ़ते हैं आगे, विच रेशियो इज कॉन्स्टेंट टू डीएनए। आई थिंक ये काफी ईजी क्वेश्चन है। शारकाफ्स रूल अगर आपको याद होगा, शारकाफ्स रूल क्या बोलता है,
एक डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एडिनिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन. इसका मतलब दिस विल बी इक्वल दैट आई कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस कि द नंबर ऑफ प्यूरिन इट इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडीन. नंबर ऑफ प्यूरिन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पिरिमिडीन. ठीक है, मतलब ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी. सो ऑप्शन नंबर वन हमेशा यहां पे हमको कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बाइंड स्ट्रॉन्गली टू एविडीन. अब ये जो एविडीन इंट्रैक्ट करता है विद द बायोटीन, इस इंट्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी. जब हमको परफॉर्म करना होता है बच्चों एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, उस टाइम पे भी हम इस इंट्रैक्शन को यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, सो एविडीन दे कैन इंट्रैक्ट विद बायोटीन, जिससे बनता है हमारा एक एविडीन बायोटीन कॉम्प्लेक्स. अगला सवाल, टेसैक्स डिसीज इन द डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट. इसमें बड़ी गलतियां हैं ना. सो दिस टेसैक्स डिसीज इज द रिजल्ट इन द जेनेटिक डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश. किसकी वजह से होता है बच्चों? तो अगर हम बात करते हैं इस टेसैक्स डिसीज की, ये होता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज गैंग्लियोसाइड्स. ठीक है, गैंग्लियोसाइडेज काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चों ये गैंग्लियोसाइट्स का हमको एक्स्ट्रा अक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, सो याद क्या रखना है, याद रखना है कि टेसैक्स डिसीज इज बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ द गैंग्लियो